सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड सेक्टर बिलासपुर में स्वयंसेवक दिवंगत चेतराम की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री परिवार बिलासपुर के सहयोग से गायत्री हवन के साथ की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्वयंसेवक चेतराम को याद किया और श्रद्धांजलि दी। SVM स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय चेतराम को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से स्वर्गीय चेतराम के नाम पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन प्रेमचंद व महंत सूरजनाथ ने किया। इस पुस्तक में उनके जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। उनकी स्मृति को यादगार बनाने के लिए स्कूल का नाम चेतराम सरस्वती विद्या मंदिर छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रेमचंद ने स्वर्गीय चेतराम के बारे में कहा कि चेतराम संघ के कर्मठ स्वयंसेवक थे। वे समय के पाबंद, दृढ़ निश्चय, कठोर एवं मृदु स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर राजेंद्र ने चेतराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चेतराम पंजाब प्रांत के अभोर के रहने वाले थे। उन्होंने DAV स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और अपना संपूर्ण जीवन संघ के कार्य में लगा दिया। संघ के क्षेत्र प्रचारक बनवीर ने कहा कि चेतराम स्वाभिमान से जीते थे व संघ के लिए जीते थे। वहीं महंत सूरजनाथ ने कहा कि संघ में प्रचारक उसे बनाया जाता है जिसे संघ प्रवेश कर जाता है। चेतराम वे थे जिन्होंने संघ वास किया था। विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र चंद ने कहा कि चेतराम एक योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी योग्यता राष्ट्र को समर्पित कर दी थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रेमचंद, बलबीर ठाकुर, अक्षर सिंह, किस्मत कुमार, राजेंद्र, हेमचंद, विजय नड्डा, इंद्र सिंह डोगरा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वयंसेवक चेतराम की बरसी पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद चेतराम द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तित्व के धनी और बहुआयामी व्यक्ति थे। किसी भी क्षेत्र से वे अछूते नहीं थे। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और कुछ लोग स्वयं बहुत बढ़िया काम करते हैं, जो स्वयं को अच्छा काम करते ही थे, लेकिन अच्छा काम करने वाले बहुत बड़ी भूल को ग्रामीण प्रदेश में खड़ी थी, जो उनका मान सम्मान करते हुए आश्रम कार्य में लगे। आज उनकी प्रथम पूर्ण सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। कार्य के लिए और स्टेशन के विद्यालय को बहुत शुभ शासन कम का समय है, सर उसमें कुछ कहना चाहिए आप? लोकसभा का चुनाव शीघ्र अपेक्षित है, मुझे विश्वास है सरकार की उपलब्धियों के कारण और प्रदेश सरकार के अच्छे काम के कारण मिलकर चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थे। जब हम विपक्ष में थे तब भी चारों जीती थी, और तो दोनों जगह केंद्र और प्रदेश में सत्ता में है, दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर भारी बहुमत है चारों।